सो हे YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो हर वीडियोस के नीचे सबसे ज़्यादा कमेंट बैक फ्लिप को लेकर ही थे कि बैक फ्लिप की वीडियो बनाओ। आप लोगों के इतने सारे कमेंट के बाद फाइनली आज हम बनाने वाले हैं बैक फ्लिप की वीडियो। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी बैक फ्लिप की, बट उसमें साउंड बहुत ही कम था। मैंने उसमें माइक यूज़ तो किया था, बट माइक मेरा चला ही नहीं उस वीडियो में। तो मैं बहुत दूर खड़ा था कैमरे से और बिल्कुल भी साउंड नहीं आई थी उसमें। तो आज मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से यानी बेसिक से लेके बिल्कुल लास्ट तक बताऊंगा आपको क्या क्या करना है और कैसे आपको बैक फ्लिप आएगी सारे स्टेप। तो ये फुली एक्सप्लेन ट्यूटोरियल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बैक वॉल कोर को सीखने के लिए आपको स्टार्टिंग में एक ब्रिज बनना आना चाहिए। तो आप स्टार्टिंग में लेट कर कुछ इस तरह से ब्रिज बनिए। तो अगर आपने पहले कभी ब्रिज नहीं किया है और आपको दिक्कत आ रही है ब्रिज बनने में, तो आपको पहले ब्रिज की प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह और ब्रिज को अच्छा करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो अब आपको स्टैंडिंग ब्रिज करना है, तो उसके लिए आपको पहले अपना वन हैंड साइड में रखना है और वन हैंड पीछे लेके जाना है और फिर धीरे धीरे अपने दोनों हैंड को पीछे लेके जाना है और स्टैंडिंग ब्रिज करना है। ब्रिज बनने से आपकी कमर फ्लेक्सिबल हो जाएगी और फिर आप स्टैंडिंग ब्रिज कर पाएंगे। तो स्टैंडिंग ब्रिज करने के बाद आपको पीछे की तरफ पलटना सीखना है। तो उसके लिए आपको कोई दीवार या फिर कोई ऊंची जगह से इसको करना है, तो वहां से आप इजीली पीछे पलट पाएंगे और फिर आपको धीरे धीरे हाइट कम करनी है और इसको प्लेन सरफेस पर करना है। तो आपको इसकी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही जल्द आप ये सीख जाएंगे। सो अब आपको मखाको करना है, जिसे मंकी जंप भी कहते हैं। तो इसमें आपको सिंपली बैठ के अपनी बॉडी को साइड की तरफ थ्रो करना है, कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको धीरे धीरे साइड के बजाय पीछे की तरफ जाना है, अपने वन हैंड को साइड में रख के सेकेंड हैंड को बिल्कुल पीछे फेंकना है और फिर धीरे धीरे दोनों हैंड्स को पीछे लेके जाना है। सो अब आपको अपने हाथों को अलग अलग थ्रो करने के बजाय एक साथ सेम टाइम पे पीछे की तरफ थ्रो करना है। तो इस मूव से आपको बैक एंड स्प्रिंग सीखने में बहुत ही आसानी होगी और आप बहुत जल्द बैक एंड स्प्रिंग को सीख सकते हैं। बस आपको इसकी ऐसे ही रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसमें आप अपने फ्रेंड की सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो बैक फ्लिप को सीखने के लिए बैक एंड स्प्रिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको बैक एंड स्प्रिंग आती है तो फिर आपको बैक फ्लिप करने में डर नहीं लगेगा और साथ में ही कोई इंजरी भी नहीं होगी आपको। तो इसलिए आपको पहले बैक एंड स्प्रिंग को सीखना है, उसके बाद आपको बैक फ्लिप को सीखना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको बैक एंड स्प्रिंग ही थोड़ा कम बैठ के और हाइट से ट्राई करनी है और आपको ये ट्राई करना है कि जो आपके हैंड्स हैं वो बिल्कुल एंड में टच होए ग्राउंड पे, स्टार्टिंग में ना टच होए। और फिर धीरे धीरे आपको ये ट्राई करना है कि आपका सिर्फ वन हैंड ही ग्राउंड पे टच हो। सो अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और जो आपका वन हैंड टच हो रहा है धीरे धीरे उसको भी हटाना है और लास्ट में आपका वो हैंड हट जाएगा और आप बैक फ्लिप कर लोगे। सो हमारे लास्ट स्टेप में आपको अपनी बॉडी को पीछे की बजाय ऊपर फेंकना है और टक करना है। तो टक यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टक आप दो तरह से कर सकते हैं, अपर टक और अंडर टक, दोनों आप देख लीजिए कैसे करना है आपको। सो आपको ऐसे जंप की प्रैक्टिस भी करनी है जिससे आपका जंप इंप्रूव होएगा और आपकी बैक फ्लिप की हाइट बढ़ेगी। और सबसे मेन है प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी बैक फ्लिप की हाइट बढ़ती रहेगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए। तो आपको इसमें मेन अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। आप इसको कोई भी सॉफ्ट जगह पे जाके सीख सकते हैं, वहाँ पर कोई इंजरी नहीं होगी। तो गाइस यही थे हमारे सारे स्टेप, अगर आप इनकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप सीख जाएंगे बैक फ्लिप।